बेटे हम अपना नवा चैप्टर कर जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 पैरीमीटर एंड एरिया। ठीक है बेटा, सब तो पहले बेटा आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, दैन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सब तो पहले बेटा देखते हैं पैरीमीटर की होंगे। बेटा पैरीमीटर की होंगे वा किसी भी फिगर के अलोंग जरा डिस्टेंस हों ना वो चीज़ नहीं, जिदा मतलब मैं एक स्केयर लै ली। ठीक है, ए बी सी डी मेरे को स्केयर, इस स्केयर का पैरीमीटर की होगा यार डिस्टेंस ए तो लैके जिन्ना भी मैं डिस्टेंस इस फिगर के उपर उपर जिथे जिथे मेरा पेन चलता पाया वा इस सियाले का सारा डिस्टेंस। ठीक है, ए तो चल के मैं ए ते वापस आ जा। ठीक है, ये सारा डिस्टेंस की होगा मेरा पैरीमीटर। जू एक होर चीज़ कह सकते जी भी इदियाँ सारिया साइडा का सम, आ साइड का आ साइड का आ साइड का, जिस तरह मान लो आ 5 सेंटीमीटर आ 6 है आ 5 आ सॉरी स्केयर लिया सारिया 5 ही हो। ठीक है, सारिया 5 बेटा किन्ना डिस्टेंस हो गया इतों लैके 5 सेंटीमीटर, इतों 5 10 हो गया, इधर तक 15 आ 20। सो यदा पैरीमीटर कि आ गया 20। सब तो पहले डेफिनेशन देखते पैरीमीटर की, फिर की है पैरीमीटर इज़ अ डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। ठीक है, पैरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर होगी और अराउंड डिस्टेंस, जिदा बेटा सर्कल। ठीक है, आ स्टार्टिंग पॉइंट लै लो सर्कल का, ये लोंग अराउंड चली चलो। ठीक है, जिन्ना डिस्टेंस कवर कर दी। ठीक है, इतों चलिया आ ए पॉइंट तो मैं चलूँगा वापस की सर्कल के उत्तर चलता जाऊँगा वापस ए पॉइंट तक आद आद जिन्ना भी डिस्टेंस कवर करूँगा मैं वो डिस्टेंस की होगा ताड़ा पैरीमीटर। ठीक है बेटा, बेटा पैरीमीटर तो बाद जी नैक्सट डेफिनेशन आती मेरे को एरिए की। ठीक है बेटा, एरिया की होंगे बेटा, एरिया की है जिन्ना भी रीजन आ घेरदा। ठीक है, जिदा स्केयर आ स्केयर जिन्ना भी रीजन अकूपाई करना है जिन्ना भी रीजन ये घेरूगी उसनों की कहेंगे एरिया कहेंगे। ठीक है, जिस तरह मान लो सर्कल जिन्ना भी सर्कल अकूपाई करा, डेफिनेशन देखते हैं, एरिया इज़ द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन अकूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। बेटा की है कहना कि एरिया वो वाला पार्ट है किसी प्लेन का या रीजन का जरा किसी क्लोज्ड फिगर द्वारा घेरा जाता अकूपाई किया जाता। ठीक है बेटा, ये तुहाडी पैरीमीटर ते एरिया की डेफिनेशन। ठीक है, अगे बेटा आप कुछ डेफिनेशन होर करते हैं, दैन आप चैप्टर की स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करनी। बेटा आप नैक्सट पढ़नी है स्केयर। स्केयर बेटा आई थिंक तुम जानते हो कि स्केयर की होंगी है, एक क्लोज्ड फिगर होंगी है। ठीक है, दस देना फिर डेफिनेशन तुम दस दाँगा। मान लो एक क्लोज्ड फिगर है ए बी सी डी। ठीक है, इस क्लोज्ड फिगर दियाँ सारिया साइड्स की होनगियाँ इक्वल होनगियाँ, जिन्या भी साइड आ सारिया इक्वल होनगियाँ। जे ए बी मेरे को 5 सेंटीमीटर आ भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आ भी 5 सेंटीमीटर तो आ भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, स्केयर दियाँ सारिया साइड्स इक्वल होंदियाँ वा, प्लस वो जे एंगल आ सारे सारे बराबर होंगे, सारे 90 डिग्री के होंगे, एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी, एंगल सी भी, तो एंड एंगल डी भी। यानी कि स्केयर एक चार साइडा वाली क्लोज्ड फिगर आ जिदियाँ सारिया साइड्स बराबर आ तो सारे एंगल बराबर आ कहते 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, हुण बेटा स्केयर की डेफिनेशन देखो। स्केयर इज़ अ क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। ईक्ल एंगल्स अगर बेटा मैं 90 डिग्री पाया ब्रैकेट के, मतलब कि जो ईक्ल एंगल कि डिग्री के हो गए 90 डिग्री के, जिदा मैं तुम्हें दसिया ना कि सारे एंगल 90 डिग्री के, ए भी 90, बी भी 90, डी भी 90 ही होएगा एंड सी भी 90 ही होएगा। ठीक है बेटा, सारे 90 हो गए तो चौवें दौवें साइडा की होगी ईक्ल हो गए। बेटा हम इसका फॉर्मूले कर दी इस स्केयर का पैरीमीटर तो स्केयर का एरिया। ठीक है, आ देखो डे स्केयर की डेफिनेशन तुम्हें मैं बोल दी है, ए बी सी डी स्केयर आडे को, ए बी साइड बी सी साइड सी डी एंड ए डी चौवें दौवें साइडा बराबर आ, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी ए भी इक्वल कह दी इक्वल है बेटा सारे 90 डिग्री। ठीक है, हूँ बेटा इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर की होंगे वा पैरीमीटर होंगे ना बेटा कि चौवें साइडा का जो जिन्ना भी डिस्टेंस होता, यानी कि आ ए बी बी सी सी डी। ठीक है, ये सारिया का प्लस, सो यदा सीधा ही फार्मूला वा 4 × साइड। जे तुम्हें किसी स्केयर का पैरीमीटर पूछा जाए तो फार्मूला की आ 4 × जड़ी भी साइड होगी स्केयर की उन्होंने 4 ना मल्टीप्लाई कर दोडा पैरीमीटर आ जाएगा। फिर जे तुम्हें बेटा एरिया ऑफ स्केयर कढ़ना हो, स्केयर का एरिया कढ़ना हो तो की करना वा साइड न साइड का मल्टीप्लाई करा देना, साइड न साइड का मल्टीप्लाई करा दा या फिर साइड का स्केयर कर दो। ठीक है, जाइड न साइड का मल्टीप्लाई कर दौ या साइड का स्केयर कर दौ, तो आ जाएगा एरिया ऑफ स्केयर आ जाएगा।
बेटा जी आप अगली फिगर डिस्कस कर जाने रैक्टेंगल, ठीक है। रैक्टेंगल दे बेटा मैं तुम दसदा पहले डायग्राम ड्रा करके। बेटा रैक्टेंगल दे विच की होएगा, रैक्टेंगल दे विच अपने को ओपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां, ठीक है। जिस तरह मान लो ए बी जे 6 सेंटीमीटर ना, ये ओपोजिट कह रही है सी डी, ए भी 6 सेंटीमीटर होएगी। मान लो सी बी मेरे को 4 सेंटीमीटर आ, हुण ये ओपोजिट कह रही है आ वाली, सो ए भी किन्नी होएगी 4 सेंटीमीटर। स्केयर दे विच सारियां साइड्स बराबर होंदियां ही, रैक्टेंगल दे विच सिर्फ अपने को ओपोजिट साइड्स बराबर होंदियां। एंगल ये भी 90 होंगे, ठीक है। ए भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, दैन सी भी 90 एंड डी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यदि डेफिनेशन देख लें बेटा हम। रैक्टेंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स, बेटा की कहें रैक्टेंगल क्लोज्ड फिगर आ फोर साइड, इन विच ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिद ओपोजिट साइड की आ इक्वल होंगे टू ईच अदर, एक दूजे के बराबर होंगे। एंड आल फोर एंगल्स आर इक्वल, तो चौवें तो चौवें एंगल इक्वल होंगे किन्ने डिग्री दे 90 डिग्री दे, ठीक है बेटा। आ देख लो ए बी दे बराबर मैं कड़ी ली है सी डी, क्योंकि ए बी दे ओपोजिट सी डी है। बी सी दे ओपोजिट कड़ी है ई डी, सो बी सी ई डी दे बराबर होएगा, ठीक है। एंगल सारे बराबर होंगे बेटा, यदा पैरीमीटर का फार्मूला लिख दे। पैरीमीटर की होंगे बेटा रैक्टेंगल का, टू मल्टी लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है बेटा। सो ये हम बेटा एरिया की होंगे वा, यदा एरिया होंगे वा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रैक्टेंगल की होंगे वा लेंथ मल्टीप्लाई, ठीक है। पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल की होंगे बेटा, टू मल्टी लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रैक्टेंगल की होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ होंगे वा, ठीक है बेटा। ये सी बेटा ताड़ी लेंथ चैप्टर की इंट्रोडक्शन, जिदे एक्सरसाइज 11.1 हूँ हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो बेटा आप 11.1 एक्सरसाइज करते हैं। सब तो पहले फर्स्ट सम की स्टेटमेंट देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पैक्टिवली। बेटा की कहता ताडे को एक रैक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आ, जिदी लेंथ किन्नी दिती गई है 500 मीटर एंड विड्थ किन्नी दिती गई है 300 मीटर। फाइंड की करना बेटा, फस्ट पार्ट के उसका एरिया फाइंड करना, सैकेंड पार्ट के कहता वो कोस्ट फाइंड करनी है। जे एक मीटर स्केयर लैंड की किन्नी कोस्ट हो 10,000 हो, ठीक है। सब तो पहले आप सोल्यूशन कर देंगे बेटा फस्ट पार्ट का। बेटा लेंथ ऑफ रैक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, लेंथ किन्नी दिती गई मेरे को 500 मीटर। दैन ब्रैथ ऑफ रैक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, बेटा ब्रैथ किन्नी दिती गई मेरे को 300 मीटर। लेंथ 500, ब्रैथ किन्नी दिती गई है 300 मीटर, ठीक है। हुण बेटा एरिया, एरिए का फॉर्मूला क्या आजगा मेरे को, एरिए का फॉर्मूला रैक्टेंगुलर आ दिता ना, तो रैक्टेंगल का एरिया कि बराबर होंगे वा लेंथ इन टू ब्रैथ, ठीक है। सो लेंथ की वैल्यू मैं भर दाँगा इतने 500, ब्रैथ की भर दाँगा 300। एरिया हमेशा बेटा स्केयर यूनिट च होंगे, सो ये क्या आ जाएगा मीटर स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट पा के वह स्केयर पा देना, एरिया हमेशा हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 5 3 15, मगर 4 0 सला दो, ठीक है। सो ये ताड़ा आ गया 150,000 मीटर स्केयर, ठीक है। ये ताड़ा एरिया आ गया, यानी कि फस्ट पार्ट तो ताड़ा हो गया। हुण आपां सैकेंड पार्ट करना बेटा, ऐसे तो ही सैकेंड पार्ट कहिंदा कि एक मीटर लैंड की कोस्ट किन्नी दित्ती है 10,000, आप टोटल कोस्ट कढ़नी है, ठीक है। हेलो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्केयर लैंड, ठीक है। एक मीटर स्केयर लैंड की कोस्ट किन्नी दी गई बेटा मेरे को ₹10,000, ठीक है। टोटल कोस्ट हूँ अपने को किन्ने कि एरिया कि 150,000 एरिया ना, एक मीटर स्केयर की इन्नी दी कोस्ट, टोटल किन्नी होगी टोटल लैंड के नाल आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो टोटल कोस्ट की आ जाएगी मेरे को, टोटल कोस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे मैं 150,000 10,000, ठीक है। जो ता रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आ गया ₹1,5,1,2,3,4,4,5,6, ठीक है। ये टोटल कोस्ट, ठीक है बेटा। आ ताड़ी टोटल कोस्ट देख लो बेटा फर्स्ट साम, फिर आप नैक्सट साम करते हैं।